डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जनसुनवाई की है। बड़ी संख्या में जनसुनवाई में लोग पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नतीजों पर उन्होंने कहा कि अधिकतर जगह लड़कियों ने चुनाव जीता है। रिजर्व बैंक से फंड लेने पर केंद्र सरकार पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा। तो डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। छात्र संघ के चुनाव में लोग अलग सोच के वोट डालते हैं, लोकसभा के चुनावों में एक अलग प्रवृत्ति लोगों की रहती है, लेकिन प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और अब चुनाव सीधा होंगे तो पिछले सरकार के राज में पार्षदों को दबाव डालकर खरीद फरोख्त कर जो दल बदल कानून लागू नहीं होता उसका पूरा दुरुपयोग कर अपना गठन किया, चेयरमैन और बोर्ड बनाए, लेकिन सरकार के काम को जनता पसंद कर रही है और हमें लगता है कि अपनी 8-9 महीने की जो परफॉर्मेंस है उसको जनता ने सराहना उसकी की है। चुनाव की तैयारी की हमने कल पहली प्रारंभिक मीटिंग करी और जो संबंधित जिले के मंत्री या पदाधिकारी थे उनको हमने बुलाया था। अब हम चाहते हैं कि मीटिंग संभागीय और जिले स्तर पर भी हो, क्योंकि मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले जो चुनाव हैं चाहे वो पंचायतों के हों चाहे नगर पालिकाओं के हों अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार के परफॉर्मेंस को जनता जज करेगी।